अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों का वेलकम है यासिन शेख व्लॉग में। और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 10। यहाँ पर हमारी चाय भी बन गई है, बस अच्छी तरह बन जाए तो बैठेंगे 5 मिनट में नाश्ता करने। फातिमा जल्दी जल्दी सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब्सक्राइबर्स। ये देखो फातिमा ने अब्बू का चश्मा तोड़ दी। ये गंदी बच्ची अब्बू का चश्मा तोड़ दिया। अभी एडिटिंग कैसे करूंगा रात में मैं देख के। दूसरा ले लेना, दूसरे के लिए पैसे दो। तुम्हारे पास 1000 रुपया रखा हुआ है ना, लो जल्दी दो, जल्दी दो। चश्मा लेकर आता एकदम अच्छा वाला चश्मा लेकर आऊँ। तो चले भाई हमारी चाय आ गई। सुबह भी इतनी ठंडी लग रही है कि क्या बोलूं। लाओ लाओ तोस आ गया मेरा, और तोस भी है, लहसुन चूड़ा भी है, क्यों रो रही है। चलो भाई सब काम हो गया, बस एक काम बाकी है अभी, वीडियो अपलोड करने का, तो वही जाके फटाफट करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड करके आ गया और यहाँ पे फातिमा को सुलाने की कोशिश की जा रही है। हाँ सो जाओ। क्या बोलते, चलो तो मैं जा रही हूँ काम करने। हाँ तो जाओ ना, आप लोग सलाम नहीं करेंगे अपने सब्सक्राइब फ्रेंड लोग को कभी? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे? एक जगह खड़े रहो। उम्मीद आप सब खैर से होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, आप लोग जाए काम। आप लोगों का वेलकम है, आप लोगों का वेलकम है। सॉरी आशीष के ब्लॉग भुलक्कड़। आज जुमा भी है तो आप लोगों को हमारी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने इतनी देर के बाद सो रही है। सो जा मेरा बच्चा, सो जा, उठना नहीं है अभी। आज जुमा है भाई, आ गया है नल। और शालो क्या कर रहे तुम? पाटली भाजी। अच्छा लगा देंगे। ओ, एक नंबर, यहाँ का इलाका ही चेंज हो गया एकदम। देखो कुछ हुए ने खोद के रखा था ना अम्मी ने, आज अम्मी मिस्त्री बन गए थे माशाल्लाह से। तो इसके बाद सुबह डिबिट मार देंगे एकदम मस्त हो जाएगा ना। ये ड्रम इधर ही रखेंगे ना जहाँ पे था पहले ही? इधर ही इधर ही रहेगा। अच्छा जल्दी जल्दी ला के रखो, कितना सीलो से लोग काम करो। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। तो सारी भंगार की बाटली यहाँ पे जमा हो गई है। इतनी बाटली जमा करके रखी अम्मी पानी के लिए। अच्छा हाँ लगता है, क्योंकि सेंटर्स में ना मतलब पानी रखे रखे ना एकदम वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, वो 2-3 दिन का जाता है। हाँ इसीलिए, और बाटली अंदर रहती तो खाली होती रहती है। यहाँ पे छोटी फ्रिज रखी हुई है, इसका तो अभी काम ही नहीं है, कोई ले नहीं रहा इसके अंदर से पानी। अंदर ठंडा इतना पानी दे रहा है कि पिएंगे तो सर्दी हो जाएगी, वैसे सिर्फ नहा के यहाँ पर सर्दी हो रही है। हाँ सालो इसलिए बोल रहे ओट्टा इतना बड़ा है क्योंकि ये लेट लेट के धोते ना कपड़े बर्तन, इसीलिए बस सो के धोएंगे है ना, सो के धोएंगे ना एकदम। तो अभी हो रहे हैं 12:30 और अब्बा ने लेकर आए थे पेरू। पेरू किस चीज का फेवरेट है जरूर कमेंट करके बताना। मेरा तो नहीं है, मेरा तो खाली चलो है। तुम्हारा तो कुछ भी फेवरेट रहता है। मेरा फेवरेट है, तो एक चीज बताओ ना। अरे मेरी बेटी भी उठ गई, अरे क्या बात है माशाल्लाह। तो हो गई है जुमा की अजान, आता हूँ फटाफट नमाज पढ़ के। तो मैं पहुंच गया मस्जिद के करीब फटाफट वजू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जुमा की नमाज से फारिग हो गए। क्या बोलते शाहरुख भाई, कहाँ जा रहे? ये भी जा रहे घर पर, खाना वगैरह खाकर फारिग होते जरा। मैं भी जा रहा हूँ घर पर, बहुत भूख तो इतनी लग रही है, क्या बोले अभी। अरे माशाल्लाह मेरी बेटी मेरी प्यारी बेटी ना। अरे अल्लाह कैमरा, खाना खाने इतनी भूख लग रही थी, देखो खाना भी आ गया। आज खाने में क्या चालो? पुलाव। माशाल्लाह गोश्त का पुलाव है। फातिमा जाओ, नहीं तुमको नहीं मिलेगा। जाओ तुमने खाना खा लिया ना पहले ही? हाँ अब्बू को छोड़ के खाना खा लिया ना, तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। खाना मैंने खा के हो गया था, मैं सोचा चलो थोड़ा आप लोगों को बाहर का कुछ नजारा दिखा देता हूँ। तो मैं अपने शाहरुख भाई को लेकर आया साथ में, देखो फुल हमारे साथ में हमारी बग्गी भी है। जब मेरे पास साइकिल थी ना तो हम लोग मालूनी में इसको बग्गी बोलते थे, अभी यहाँ पे बग्गी मालूम नहीं होगी बोलते। बग्गी तो घोड़े को कहते हमारे तरफ, तुम्हारे घोड़े को, हम लोग साइकिल को बोलते हमारी बग्गी है। तो बोला चलो ना साइकिल लेकर आओ शाहरुख भाई, आप उन दोनों घूम के आएंगे। थोड़ा कहाँ जाएंगे भाई अपन? देखते हैं थोड़ा मार्केट घूमेंगे। जहाँ पर 11 नंबर लेकर जाएंगे वहाँ पर चलेंगे। 11 नंबर ले पाओ। अच्छा पाओ, अरे वाह क्या बात है यार, 11 नंबर सही है, 2 टांग 11 नंबर। साइकिल होने के बावजूद भी अपन पैदल चल रहे हैं, चलो चलो चलेंगे साइकिल पे ही। चलो भाई बैठ गया, मैं भी निकालो पीछे से कपड़ा सही कर लेता हूँ, थोड़ा फंसी फंसी का देखना। सही में देखो ना फैमिली के, क्या फैमिली बोल रहा है, सही में देखो ना यार दिमाग कहाँ पर है हम लोग के, साइकिल पास साइकिल होने के बावजूद भी हम लोग पैदल ही पैदल जा रहे हैं। अभी चलो कहीं भी लेके चलो। अरे भाई मेरे को ना बस स्टैंड दिखा दो। हाँ दरअसल मैं 11 तारीख को चले जाऊंगा, तो सुबह मैं ट्रेन से जाऊंगा, तो मैं बस स्टैंड देख लूंगा ना, तो ऑटोमेटिक किसी को मतलब तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खुद ही चले जाऊंगा अकेला। क्या बोलते हैं, सही बोला ना? तो हमारे शाहरुख भाई है मेरे को बस स्टैंड का रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये भी फ्री है और मैं भी फ्री हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बने रहिए, आप लोगों को भी यहाँ का पूरा रास्ता दिखा रहा हूँ, बस स्टैंड कहाँ पर है क्या नहीं है। ठीक है भाई, तो आज 1 हफ्ता का छुट्टी पर हूँ, काम पर नहीं हूँ। तुम? हाँ। अच्छा जरा तबियत खराब है ना, तो इसलिए फिर घर वाले चिढ़ते हैं अगर काम पर गए। अच्छा, खराब हो मतलब तबियत खराब रहेगी तो घर वाले बोलते काम पे ही मत जाओ। ओहो माशाल्लाह, एक नंबर यार।
तबियत सही रही तो काम पर जाएंगे, तबियत नहीं रही तो काम क्या होगा। क्या बात है। मतलब जान है तो जान है, जान है तो जान है, एक नंबर। ये शाहरुख भाई की साइड चालू है, यहाँ पे काम कर रहे थे। यहाँ पर एक यार गांव में घूमते हो गए आप कभी कभी? तो उस दिन जो हम लोग शालों का चेकअप कराने आए थे तो वो रास्ता था, हम लोग अभी इसके आगे वाले रास्ते पे जा रहे हैं, आगे नहीं मतलब राइट साइड में जा रहे हैं उसके। हाँ हाँ भाई, बैठे बैठे हालत खराब हो गई यार। हाँ अब थोड़ा रास्ता यहाँ का सही है ना, तो इस वजह से अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि खड़बुड़े में रास्ता ना ऊपर नीचे हो के बैठने में एकदम तकलीफ हो रही थी मुझे। रास्ता इतना खराब है, क्या करेंगे। तो ऐसा लग रहा है हम लोग फाइनली बस स्टॉप पहुंच गए। अरे माशाल्लाह क्या बात है यार, तो पहुंच ही गए भैया, तो पहुंच ही गए हम आखिरकार। यहाँ से अभी मुझे जाना है मनमाड, लेकिन अभी नहीं 11 तारीख को, तो बहुत इजी है, एकदम सीधा सीधा रास्ता। हमारे शाहरुख भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, तो यहीं से आएंगे जाएंगे अभी। देखो आप रुकना है क्या, चलते आगे? नहीं थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ का बस स्टॉप ऐसा है फ्रेंड्स, और ये आगे का रोड है, मनमाड हाईवे, पूरा मनमाड हाईवे। हाँ एक नंबर, इसलिए मैं शाहरुख भाई के साथ आता हूँ, इनको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताते हैं अच्छे से कि मनमाड़ हाईवे। और देखो ट्रैफिक जाम हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लग गई है यहाँ पर, बाप रे बाप। हम लोग उतर गए क्योंकि इतनी ट्रैफिक में इतनी छोटी सी हमारी साइकिल नहीं जाएगी ना, बड़ी बड़ी गाड़ी है, पता चला गाड़ी के नीचे अगर अल्लाह ना करे, तो ऐसे ऐसे उतर गए हम लोग, उतरने में ही भलाई है, बड़ी गाड़ी के नीचे साइकिल दिखेगी काम भारी हो जाएगा हम लोग का। ऐसे जा रहे हैं ये रास्ता अपना शिरडी को जाता है, शिरडी को जाता है ये सीधा सीधा। तो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, साइकिल पे चलते शिरडी घूम कर आएंगे, हालत खराब हो जाएगी भाई। फ्रेंड्स हम लोग जब लग्जरी से आते हैं ना, तो बस हम लोग को यहाँ पे सर्कल पे उतारती है, देखो यहाँ पे उतारती है, फिर नदीम भाई आते हैं मेरे साले लेके जाते हैं हम लोग को यहाँ से, आए टाइम पे हम लोग यहाँ से आते हैं, लेकिन अभी तो बस समझ लो क्या बोलते हैं अपने लग्जरी को हम लोग ने छोड़ दिए, तो उससे अभी कुछ वास्ता नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह उससे आएंगे जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ट्रेन से बहुत अच्छा रास्ता हम लोग को पता चल गया है ना भाई, थोड़ा सा मतलब ट्रेन से ऐसा रहता है कि अपन एकदम फ्री जाते हैं, फ्री एकदम, और टाइम भी कम लगता है, लग्जरी से 9 घंटा लगता है, ट्रेन ने मुझे 5 घंटे में पहुंचाई है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। ट्रेन से कैसा होता है कि अपन अगर टॉयलेट वगैरह बाथरूम वीरूम को लगी तो अपन ट्रेन में जा सकते हैं, बस का बस में नहीं, तो सही बात है, बस में एकदम दबा के बैठना पड़ता है, बस में बैठना पड़ता है। ये क्या है, सारे मार्केट वगैरह का बन रहा है। अच्छा बहुत सालों से काम चल रहा है, अभी खत्म ही नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बनते जा रहा है, कभी बनता है कभी चालू। देखो ना सब ये गाले वगैरह होते हैं ना ये दुकान के, उसके हाँ गाले बन रहे ऊपर। अच्छा 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 अच्छा, तो मुझे बहुत से लोग ने बोल रहे थे कि योला का मार्केट एक्सप्लोर करवाइए, तो देखो आज हमारे शाहरुख भाई मिल गए, तो जितना हो सके कोशिश करूँ आप लोग उतना आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए, एंजॉय कीजिए योला की मार्केट, योला की मार्केट है ना। हाँ वो एकदम हलक सूख गया था मेरा, तो हम लोग आए दुकान पे बिस्लेरी की बॉटल लेने के लिए, 10 वाली है। हाँ 10 वाली बिस्लेरी की बॉटल है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, बाजार में बहुत चलती है दुकान, मंगल के दिन। हाँ ठीक है, तो यहाँ की देखिए मस्जिद, मस्जिद का नाम क्या है, जामा मस्जिद शायद। अच्छा अच्छा, अच्छा। नाम तो मुझे सही से पता नहीं, आगे देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं तो मेरा बहुत कम आता हूँ ना, तो यहाँ पे हम लोग मार्केट में आए हैं, तो देखिए ऐसा बाजार है यहाँ पर, पूरा ऐसा बाजार लगता है, एक नंबर बाजार लग रहा है हम लोग के यहाँ, ऐसी मच्छी मार्केट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे भाजी कम है, अभी मंगल के दिन भी आओगे ना यहाँ पर चलने के लिए जगह नहीं होती कभी, तो देखिए ऐसा फुल होता है। पहले इधर मच्छी मार्केट भी था बना, अभी उसको बंद कर दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बंद कर दिए क्या, ऐसा मच्छी मार्केट जबरदस्त लगता था, मैं 2-2 रुपए की मच्छी लेकर जाता था। तो ये मस्जिद है यहाँ पर माशाल्लाह, ओहो वालेकुम अस्सलाम, ये फ्रंट है, आगे हम लोग बैक से देखे थे, दरगाह है माशाल्लाह, हाजी अब्दुल रहमान बाबा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनकी बरकत हमें नसीब करे। अभी तो अंदर शायद कड़ी मारी हुई है, तो इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो जरूर ज़ियारत करेंगे आप लोगों की भी, और ख़ुद भी ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। कैसा लगा यहाँ का बाजार ज़रूर कमेंट करके बताना, मेरे कैमरे में कुछ लग गया अभी जो साफ कर रहे। तो ये अपन कहाँ निकल गए अभी, अभी अपन बड़ी बाजार में ही है। अच्छा अच्छा बड़ी बाजार में ही है। हाँ भाई कल मुझे आने का, यहाँ से केक लेके जाऊँगा, यहाँ पे है ना केक की दुकान, यहाँ पर एक आगे दो तीन, वहाँ से पिछली बार लिया था तो वहाँ से लिया था, अभी यहाँ पे देखते हैं। और नदीम भाई की दुकान भी शायद यही है, नदीम भाई की दुकान उधर पीछे साइड है गली में। अभी कहाँ पे अपन शारिक भाई, अभी अपन सुनार गली में, सुनार गली में, यहाँ पर सोने की दुकान बहुत है ना पर आगे, और ये देखिए
एक नंबर छोटी बिल्डिंग बम्बई स्टाइल है। हाँ बैठ गए हम लोग फिर से अपनी बग्घी पे और निकलते हैं घर की तरफ। ज्यादा मार्केट ढूंढ लिया, पैर भी बहुत दुखने लगा पैदल पैदल। हमने तो मार्केट ऐसे बाहर से दिखा दिया, अगर और अंदर जाते ना तो बहुत टाइम हो जाता और इतना टाइम हमें लगाना नहीं है कहीं भी। तो ऐसे हम लोग अभी वापस जा रहे हैं अपने घर पे। क्या बोलते शाहरुख भाई, फिर कभी नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। हम लोग सोचे थे घर पे जाने का, लेकिन घर पे जाके करेंगे भी क्या, क्योंकि अभी घर पे जाके सर बैठना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर मैदान में आ गए, जहाँ पे मैं भागने आता तो यहाँ का आप लोगों को क्या बोलते हैं अपना आसमान आसमान ब्लू ब्लू आसमान दिखाता। तो गौर से एकदम प्यार से देखिए और घर पे बैठ के फुल एंजॉय कीजिए। कोई मारेगा तो नहीं ना? तो गाइज हम लोग वहां से आए थे पार्ट पे, मतलब जहाँ पे ट्रेन वगैरह चलती है। तो यहाँ पे आप लोग ने पिछले ब्लॉग में देखे रहेंगे, यहाँ पर पूरा पानी के झरने से पूरा बह जाता था, लेकिन अभी सूखा पूरा हो गया ये। हाँ भाई पानी नहीं, क्यों नहीं भर रहा इसमें अभी? ये उधर जब पानी ज्यादा हो जाता है डैम पर, हाँ। जब उसको छोड़ देते इधर, अच्छा पूरे पार्ट पर जाता है पानी। अच्छा 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 ऐसा है क्या? इससे पहले जब आया था मेरा दूसरा मोबाइल था, तो वो मोबाइल में मतलब इतनी क्वालिटी नहीं थी जो आप लोगों तक एकदम अच्छी वीडियो मतलब शेयर कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस बार एकदम अच्छी क्वालिटी के साथ आया हूँ मैं। इतनी भी क्वालिटी नहीं है, आईफोन वगैरह नहीं है भाई, गरीब मोबाइल है थोड़ा सी है, तो लेकिन जितना भी मतलब क्वालिटी है लेकिन अच्छी है। जब तो इस वजह से मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्ट की तरफ, उधर पे क्या बोलते हैं पटरी है ना, पटरी तो पटरी है, आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ का सीन और मजा आएगी। देखेंगे हाँ, ट्रेन भी देखेंगे और मजा भी लेंगे, एंजॉय भी। तो देखिए इस साइड का ऐसा है कुछ मंजर, बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पर। ये साइड भी पानी छोड़ते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पर, तो देखिए ट्रेन आ रही। तो यहाँ से आ रही है ट्रेन, वो तो एकदम करीब से आप लोगों का नजारा दिखाया हो, तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। हम लोग उधर पे थे, उधर खड़े थे, ज्यादा ट्रेन के उधर नहीं थे, अभी पटरी पे आ गए, ट्रेन चली गई है। दूसरी ट्रेन आने वाली है और हम लोग कुछ करने का सोचे हैं, तो बस अभी आ जाए, फिर उसके बाद आप लोगों को बताएंगे क्या करने वाले हैं हम लोग, आप लोगों को वीडियो में देखने मिल जाएगा। ठीक है हाँ पत्थर ही रखना, वीडियो तो बननी होगी। हेलो चलिए, आप लोग देख सकते हो अभी ट्रेन आने वाली है, फिर जबरदस्त वाला नज़ारा देखिए। जब तक हम लोग जो साइड में खड़े होते हैं और बाकी सब मोबाइल देखते हैं ऊपर वाले भरोसे, अब कुछ नहीं तक देखिए आप। व्लॉगिंग करता हूँ, तुम कर देगे? हाँ व्लॉग कर देगा। कितने सब्सक्राइबर? 12 में उसमें चले जाएगा डेली व्लॉगिंग करने का। डेली करता हूँ मुंबई। आइए टेकड़े के ऊपर मजा लेते हैं। मेरी फट रही है, मेरे मोबाइल में कुछ ना होना चाहिए, अगर वीडियो बन ना हुई तो Oh
मोबाइल चेंज हो गया। तो हम लोग ने ट्राई तो किए, मतलब ऐसा कुछ आप लोगों को नया पहुँचाने, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि पटरी के बीच में हम लोग मोबाइल रखे थे तो मोबाइल टेढ़ा हो गया, तो कुछ दिखा नहीं, तो ऐसे ऐसे वाला छोड़ो जाने दो। अभी जा रहे घर पे, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कुछ इससे अच्छा करने की। नमाज के लिए असर की, देखते हैं असर की नमाज के बाद। तो ये आ गई हमारी मस्जिद, चलो भाई। अरे तुम तो अंदर ही जाकर घुसा लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम असर की नमाज से फारिग हो गए और अभी जाएंगे, क्या बोलते हैं, अपने अपने घर पे जा रहे हैं। शाहरुख भाई भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ अपने घर पे, थोड़ा आराम करता हूँ, फिर उसके बाद में मगरिब के टाइम हो जाएगा, फिर मगरिब की नमाज के बाद देखते और क्या होता है। आज तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा मतलब वो शेयर किया ना भाई, मार्केट एक्सप्लोर और ट्रेन का ये वो, मतलब बहुत आज का ब्लॉग बहुत अच्छा। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। ये शाहरुख भाई मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद आपको। तो हमारा नाश्ता पानी तो हो गया, तो हमारे शाहरुख भाई आए थे बुलाने के लिए, बोले हमारे घर पे, क्या बोले भाई, फातिहा खानी। हाँ फातिहा खानी है, तो आप लोग आप आइए जरूर। तो हम लोग दोनों अभी वहीं जा रहे हैं घर पे, और यहाँ पर मैं आप लोगों को लेके नहीं गया हूँ, ये पीछे साइड का रास्ता है। तो हमारे शाहरुख भाई यहीं रहते हैं, और अभी से इतनी ठंडी लग रही है, तो काम रहूँगा। हाँ पूरे मैदान है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नियाज दिला के हो गया, और मैं शाहरुख भाई के मतलब ऊपर रूम में आया था। तो ये देखिए शाहरुख भाई का रूम है, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, और ये शाहरुख भाई ऊपर रहते हैं अपने आराम से। भाई इतनी ठंडी लग रही है मेरे को, मैं काम रहा हूँ, ब्लॉग बनाने नहीं जम रहा पता। और ये देखो टी शर्ट में सिर्फ बोलते, मेरे को तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे तो क्या आदत है, आदत है यार, मैं मुंबई वाला छोक रहा है, इतनी ठंडी बर्दाश्त नहीं है मेरे को। तो यहाँ पर देखिए शाहरुख भाई का बस, इंशाल्लाह मतलब ऐसा वक्त आएगा ना शाहरुख भाई का घर इतना रावस बनेगा ना, जैसे देखो बाजू में ना, इससे भी हार्ड बनेगा इंशाल्लाह। क्या बोलते शाहरुख भाई, इंशाल्लाह ये बग हो गया होता मेरा। हाँ। तबियत खराब हो गई ना, तो इसलिए कर नहीं। मेन बात ना अकेले कर रहे पूरे घर का काम, किसी की जरूरत नहीं, अकेले देखो नीचे से माल चढ़ाना और सब कुछ अकेले कर रहे थे, भाई की थोड़ी हालत पतली हो गई, इसलिए छोड़ दिए काम अभी। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बोलते हैं, मेरे को तो बहुत ठंडी लग रही भाई, चलो उतरेंगे 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 उतरेंगे, आप बर्दाश्त नहीं होगी। तो पहन लिया जैकेट। फातिमा तुमको नहीं लग रही ठंडी? हाँ बेटी तुमको नहीं लग रही ठंडी? इसको कुछ भी बनाएंगे ना तो निकाल के फेंक देगी। तो शालो क्या बना रहे तुम? मैं बना रही हूँ सुक्का चिकन। माशाल्लाह माशाल्लाह सुक्का चिकन बना रहे, चलो अच्छी बात है, बनाओ जरा टेस्ट करेंगे। हमारी मोहतरमा तो कितने दिन के बाद, मोहतरमा के हाथ का कितने दिन के बाद खड़ा हुआ है। हाँ अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, थोड़ा सी और बना रहे। अभी हो रहे हैं रात के 9:30, हम लोग बैठे हैं खाना खाने। तो क्या बोलते शालो, आज खाने में है दाल चावल, हाँ सुक्का चिकन, सुक्का चिकन तुमने बनाया ना, और दाल चावल अम्मी ने बनाया। हाँ। बस और रोटी, रोटी अम्मी ने बनाया माशाल्लाह। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो भाई हमारा खाना वगैरह सब खा के हो गया, और आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। आज मेरे से जितना हो सका उतना मैं मार्केट वगैरह घूम के आप तक शेयर किया हूँ, तो फातिमा भी मेरे साथ में बैठी है, और कल है हमारी एनिवर्सरी, तो इंशाल्लाह कल का जो ब्लॉग आपको मतलब देखने मिलेगा। क्या हुआ? तो चलिए भाई फातिमा भी हुआ बोल रही है, तो बस आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा।